खाद्य सामग्री के लिए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। दुकान संचालक को साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध कार्यक्रम के तहत तमाम जगह दबिश दी है। तो वही शमशाबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एडलिन एलिजाबेथ तिर्की और शमशाबाद पटवारी दर्शन शर्मा द्वारा सैंपल लिए गए है, तो वही जाँच के लिए भेज दिए गए है। साफ सफाई के दुकानदारों को दिशा निर्देश भी दिए गए है। जितनी भी खाद्य प्रतिष्ठान है उस पर लगातार निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आज शमशाबाद बस स्टैंड पे रतन स्वीट्स जो बस स्टैंड में स्थित है और सोनू चाट भंडार, यहाँ से हमने जलेबी का सैंपल लिया है। साथ ही इनको साफ सफाई के संबंध में निर्देशित किया है और खाद्य रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो इनकी दुकानों में प्रदर्शित होना चाहिए इस संबंध में भी इनको हिदायत दी है। और जितने भी मिठाइयाँ हैं वो शोकेस में ही रखें क्योंकि खुली बस स्टैंड में जो खुले वातावरण में धूल या अन्य गंदगी से इनका बचाव किया जा सके इस संबंध में इनको हिदायत दी गई है। मैडम, ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान जो है ये लगातार जारी रहेगी। इस पर निरंतर जितने भी खाद्य प्रतिष्ठान है उस पर निरीक्षण और समय समय पर सैंपलिंग ये लगातार जारी ही है। सैंपल में आपने क्या क्या जांच में लिया? ये अभी हमने दोनों खाद्य प्रतिष्ठानों से जलेबी के सैंपल लिए हैं जो इनके द्वारा निर्माण करना बताया गया है।